हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉस्मोस। आई होप कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बाल विकास की इस सीरीज में हम फिर एक नया चैप्टर लेके आए हैं, अध्याय 2, बाल विकास के सिद्धांत। इसको भी हम अच्छे से जानेंगे। पहले ये देखते हैं बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास का सामान्य अर्थ है बालक का विकास। विकास शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक होते हैं, अर्थात किसी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बालक में समय के साथ उसका शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई व सामाजिक विकास होना चाहिए। विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। विकास का क्रम एक जैसा होता है। विकास एवं अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। ये बाल विकास की अवधारणा है कि जो विकास और अधिगम है वो एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते। अब देखते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है आंतरिक कारक। ए, वंशानुगत कारक के कारण बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि प्रभावित होता है। बुद्धि भी एक आंतरिक कारक है जो सीखने की योग्यता, समस्या समाधान, तार्किक व निर्णय लेने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक में संवेगात्मक विकास का संतुलन होना आवश्यक है क्योंकि यह बालक के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। बालक के शरीर व मस्तिष्क का पूर्ण विकास आवश्यक है क्योंकि एक की भी अपूर्णता बाल विकास को प्रभावित करती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं बाह्य कारक। वो क्या होते हैं? ए, आसपास का वातावरण भी बाल विकास को प्रभावित करता है। जैसे प्रदूषण रहित वातावरण है या प्रदूषित है। साथ ही भौतिक सुविधाएं कितनी उपलब्ध हैं। बी, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति बालक के शारीरिक व मानसिक दोनों विकास को प्रभावित करती है। अब देख लेते हैं बाल विकास के सिद्धांत। फर्स्ट, निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसमें गति भिन्नता पाई जाती है। यह कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। बालक के विभिन्न गुणों का विकास अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है और पूर्ण होने पर स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। सेकंड, विकास दिशा का सिद्धांत। बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। शुरुआत में सबसे पहले बालक सिर को उठाता है, फिर बैठना सीखता है, तत्पश्चात चलना सीखता है। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक मानव के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इसी कारण से एक ही उम्र के दो बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। मतलब वैयक्तिक, पर्सनल, सबकी अलग अलग भिन्नताएं होती हैं विकास में भी। अब देखते हैं क्रमबद्धता का सिद्धांत। एक ही समुदाय के प्राणी के विकास का एक क्रम पाया जाता है। यह सत्य है कि दो बालक एक समान नहीं होते किंतु उनकी सभी अवस्थाओं के विकास क्रम में समानता बनी रहती है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, भ्रूणावस्था। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं वंशानुगत व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक के विकास में वंशानुगत गुण तथा वातावरणीय गुण दोनों की अंतःक्रिया होती है। अब हम जान लेते हैं बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। फर्स्ट पॉइंट है बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को यह जानना महत्वपूर्ण है कि बालक का व्यवहार कैसे प्रभावित होता है। सेकंड पॉइंट, बालक को कब, क्या और कैसे सीखना चाहिए। ये विकास सिद्धांत की जानकारी पर आसानी से सिखाया जा सकता है।
थर्ड पॉइंट, बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालक के विकास को दृष्टि में रखते हुए उसे उतनी ही अपेक्षा रखेगा जिससे बालक के अंदर आने वाले नकारात्मक सोच को रोक सकता है। फोर्थ पॉइंट, बाल विकास सिद्धांत की जानकारी से बालक की रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति आदि का भी ज्ञान होता है जो बालकों के पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायक होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालक के विकास में सामंजस्य बनाने की प्रेरणा भी देता है जैसे सामाजिक व संवेदनात्मक विकास में। अब देख लेते हैं बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता निम्नलिखित है, बालक के व्यवहार को समझने में, बालक के स्वरूप को समझने में, शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में, शिक्षण को प्रभावकारी बनाने में, अध्यापन विधि को प्रभावी बनाने में, बालकों को सीखने के प्रति प्रेरित करने में, वर्ग अध्यापन के प्रति अभिरुचि को बढ़ाने में, भूमिका श्रेणी को समझने में। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इन्हें आप देखेंगे पॉज करके। इनके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, बाकी नीचे आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व और ये है उत्तर माला, इसमें आपको सभी के उत्तर मिल जाएंगे। इनका अभ्यास करें आप और समझें। ये था चैप्टर टू। चैप्टर टू के बाद चैप्टर थ्री देखेंगे। इसी तरह ये सीरीज चलेगी। ये आपके टेट सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुपर टेट के लिए भी, तो इसका आप डेली अध्ययन करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।